मेथड्स आपको बोले हैं, स्टैक, दूसरा कौन सा है पवन? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव और तीसरा? एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे उठाया गया है। इसमें क्वालिटी देखी है हमने स्टॉक की, जो 310 के नीचे वॉल्यूम बढ़ा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि 310 के नीचे अगर ये जितनी बार भी जाएगा बाउंस कर जाना चाहिए। अब अगर बाउंस करेगा, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस होनी चाहिए, ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है हमें, आर्टिफैक्ट्स दिखा चुका है। तो इस वजह से उसको ट्रेड कर दिया गया ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, एक्चुअली आपने जो वीडियो देखा वो 12 तारीख का था, इस ट्रेड को हमने 11 तारीख को भी किया था। एक्चुअली वी ट्रेडेड इट ऑन बोथ द डेज। 11th को जब 310 के नीचे गया तो हमें पता था आर्टिफैक्ट्स हैं, तो हमने इसको 310 के नीचे से उठाया था। ठीक है, और उसको लॉन्ग ट्रेड किया। ओके, 315। उसके बाद जो आपने जो वीडियो देखा 12 तारीख को, दैट वाज मोर टू डू विद स्टॉप लॉस। एक्चुअली मैं एक वीडियो इसलिए डालना चाहता था कि उसमें कुछ कंटेंट होना चाहिए ना, मतलब बकवास नहीं होना चाहिए उसके अंदर, देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ कंटेंट। तो आपका वाला बैच संडे को होने वाला था, तो आई वांटेड टू पुट अ कंटेंट व्हिच इज ट्राइंग टू शो यू कि यू हैव टू बी लॉजिकल विद योर स्टॉप लॉस आइडेंटिफिकेशंस। तो उसमें जो मकसद था उस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, वो स्टॉप लॉस दिखाने का था कि आप अगर स्टॉप लॉस को ठीक से लगाओ, आइडेंटिफाई करो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हाइपोथेसिस को फॉलो करना है। ओके, गॉट योर आंसर पवन? तो इट वाज अ सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके ठीक है, राइट। सर, कहिए। क्वेश्चन ये जो आपने स्टैक रैंकिंग बोला, उसके लिए तो आपके पास डेटा है टू क्वालिफाई कि कौन सा टॉप में है कौन सा बॉटम में है करके। बट व्हेन यू हैव टू टेक अ क्वालिटी डेटा लाइक एसबीआई का ऑन से 11th, यस यू सेड दैट यू हैव टेकन इट फॉर अ ट्रेड, हाउ टू मतलब स्टैक दोस टाइप ऑफ डेटास। वो तो क्वालिटेटिव है ना, तो क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव के अंदर हम क्वालिटी देखेंगे। अभी नहीं देखो, बट सुन लो मेरी बात, या अभी देखो आप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ना रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रहा है जो मुझे चाहिए, थोड़ा सा पीछे का मुझे दिखाना है आपको। एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये वॉल्यूम बढ़ा है। या ठीक है, ये जब वॉल्यूम बढ़ा है, अगर मैं इसको स्टडी करूं, ये लो कितना है, 311 ना, ये लो कितना है, 308, इसका मतलब लो नीचे है ना इसके, तो ये क्लोज क्यों नहीं हुआ नीचे, वापस क्यों आ गया 311 के ऊपर? दिमाग में सवाल, साइकोमेट्री। निर्मल जी, हियरिंग माय आई पॉइंट। टोटली अग्री विद योर पॉइंट एंड आई हैव अंडरस्टूड व्हाट बेसिस यू आर टॉकिंग अबाउट 9th एंड 10th डेटा। बट सपोज इफ आई हैव टू मतलब हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई डोंट मिस दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स, मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट इन माय स्टैक डेटा व्हिच इज नॉट गिविंग अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, हाउ डू स्टैक आई इज मेक श्योर जस्ट दैट। अ स्टैक, डोंट मेक स्टैक योर बाइबल। स्टैक इज जस्ट वन मेथड आउट ऑफ 10,000 मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल। डोंट मेक स्टैक योर दिस थिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट से क्वालिटेटिव मेथड्स, राइट? अब क्वालिटेटिव मेथड में कितने स्टॉक है भाई, 50 ना। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू ट्रैक 50 स्टॉक्स? टुडे आई एम डैम श्योर यू आर ट्रैकिंग मोर देन 300 स्टॉक्स, यस क्योंकि आप तो कुछ भी ट्रेड करते होगे ना, चाहे वो मिड कैप है, चाहे वो नेक्स्ट 100 का स्टॉक है, या मान लीजिए कि एफएनओ स्टॉक है, वो आप तो कुछ भी ट्रेड करते होगे। मैं तो ये कह रहा हूं, दायरा बांधो, 50 स्टॉक को ट्रैक करना कितना मुश्किल है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, कैसे पता लगेगा आपको, आई जस्ट शो यू। ओके, गिव मी अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू लॉग इन टू माई प्लेटफॉर्म। या
कि हम वो नहीं चल रहा है ना एक्चुअली, वो एनएससी इज नॉट शोइंग मी डेटा तो टू शो इट फ्रॉम हियर. अभी आपको स्क्रीन पे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है. या ओके, चलो बहुत बढ़िया. अभी दिस 1 2 3 4 5 इज द लास्ट वीक, राइट? ये पिछला हफ्ता है, ठीक है. अभी इसमें देखिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हुआ फर्स्ट, ये देखिए ये 29th का डेटा है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, उसके बाद वीक चेंज हो गया. ये हफ्ते का लो है इस वीक का, और ये इस वीक का हाई है. करेक्ट, ये इस वीक का लो है, मतलब जो पिछला वाला हफ्ता है इस वीक का लो है और ये इस वीक का हाई है, राइट? अभी ये यहां से चालू हुआ ना, इस वाली जगह से, उससे पहले का क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ये लो यहां पे है. ओके, और ये यहां पे है, ठीक है. आपको लगता है यहां पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है ये? या ठीक है. अब अगर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसको इमीडिएटली हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये वॉचलिस्ट में जाएगा. अब आप देखिए इस जगह पे ये वाला जो लो है, यहीं पे वॉल्यूम बढ़ गया क्या अचानक से? Yes. ये कौन सा दिन है? ये 9 तारीख है ना, 9 तारीख का डेटा तो दिख रहा था, यही मैं रेफर करा ना आपको, बोला ये ऐसा क्यों हो गया भाई, ये अचानक से वहां पे टच करके ही क्यों बढ़ा दिया वॉल्यूम को, राइट? ये देखो, ये यहां पे टच करके ही क्यों बढ़ा दिया, नहीं करना चाहिए ना, इट शुड नॉट डू इट, राइट? एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. ओके, ये देखिए सपोर्ट बिल्ड, करेक्ट, इस तरीके से हाइपोथेसिस बनेगा. नाउ हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मॉनिटर, क्योंकि ये 28th को, एक्चुअली इसीलिए मैं कह रहा था ना, मुझे थोड़ा सा पिछला डेटा दिखाना चाहता हूं मैं. ये 28th मार्च है ना, ये वाला दिन, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड डेटा बॉक्स में दिख रहा होगा, ये 28th मार्च है. फेब्रुअरी का जो महीना है वो यहां एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूं, इस वाली जगह से इस वाली जगह तक है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक के बीच में है. ओके, मान लेते हैं ये सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम था ना, आपको लगता है ये ब्रेकआउट है? क्वालिटेटिवली, सॉरी क्वांटिटेटिवली, इट्स अ ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ है ना यहां पे, फरवरी के वॉल्यूम को मार्च के फैग एंड में ब्रेक किया गया है. इसका मतलब है कि इसमें हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. ओके, तो क्वांटिटेटिवली ये मेरे लिस्ट में आ गया. ओके, यहां पे आप देख रहे हैं कि बियरिश एनगल्फिंग हुआ है एक तरह से, ये बहुत जोर से गिरा है ना, राइट? अब जब ये बहुत जोर से गिरा है तो ये मुझे ये बता रहा है कि बुलिश जोन में, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्च के हाईस के ऊपर ट्रेड हो रहा है. फरवरी को ब्रेकआउट करके निकल गया है ना मार्च में, हाईस के ऊपर ट्रेड हो रहा है फिस्कल क्वार्टर्स. तो अगर ये ऊपर ट्रेड हो रहा है, बहुत जोर से गिर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है. अब देखिए 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 यहां पे हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चरली क्यों बना रहा है,
इसका मतलब कुछ होने की संभावना है, गेटिंग माय पॉइंट? अब जब संभावना है तो उसको माइक्रो एनालिसिस में देख 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 रहे हैं, ये इसी वाले लो से क्यों उछल गया भाई? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, इसको तो तोड़ के निकल जाना चाहिए। इसका इस दिन का वैल्यू जो है वो कम से कम 250 तक गिरना चाहिए, नहीं गिरा ना, कुछ तो किया, ये क्वालिटेटिव हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, एक ही स्टॉक में स्टैक रैंक भी आ रहा है, क्वांटिटेटिव भी आ रहा है, क्वालिटेटिव भी आ रहा है, तो वो आपको बता नहीं रहा कि एक जबरदस्त विनिंग ट्रेड मिलने के चांसेस है? राइट अब देखिए, इसका लो कहाँ है? इस वाले का लो है 309.05। इस दिन पे मैंने आपको क्या बोला कि हमने एक दिन पहले इसको ट्रेड किया, इसका लो कितना है? 308.70। ये क्लोज कहाँ हुआ? 315 पे। इट्स अ 40% मोर देन 40% रिटर्न ऑन कैपिटल। एक्चुअली देख के छोटा सा कैंडल लग रहा है, पर इट इज मोर देन 40% रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो मेहनत, इट इज ऑल अबाउट हार्डवर्क, देर इज नो मैजिक, ओनली लॉजिक्स। ठीक है, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को तब ग्रास्प कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, कैपिटलाइज कर पाएंगे, जब आप अपने दायरे को सीमित रखेंगे। कई लोग मुझे बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स भी करते हैं, यार तुम तो यार निफ्टी फिफ्टी करते हो, हमें देखो हम तो यार बादशाह हैं, 300 400 500 स्टॉक को ट्रैक कर लेते हैं। राइट, ठीक है भाई, इट्स ओके, मेरा दिमाग का उतना कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो शॉर्ट रेट शॉर्ट स्टॉक से ज्यादा को ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो भाई कमोडिटीज भी करना है, मुझे तो करेंसी भी करना है, मैं तो कुछ भी ट्रेड करता हूँ यहाँ। राइट, बिकॉज इट्स माई मेन स्ट्रीम बिजनेस। तो आपको दायरों को क्वालिटी के हिसाब से सीमित करना पड़ेगा, जब आप वो करोगे आपको समय ज्यादा मिलेगा, आप एनालिसिस में क्वालिटी लेके आ पाएंगे, जब आप क्वालिटी लेके आ पाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज आप मिस नहीं करेंगे। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन पवन? यस, आई गॉट इट, थैंक्स। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल कम बैक एंड डिसाइड शैल वी गो अहेड विद क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम मिलेंगे वापस। वन क्विक क्विक क्वेश्चन इफ यू अलाउ।